है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बता दें कि आपको जो रेलवे का एक न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आती है उसमें ये रेलवे की तरफ के नोटिस है। और इस नोटिस में दिया गया है कि जो SI और कॉन्स्टेबल RPF के नाम से जानते होंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो वैकेंसी आता है, उनका SI लेवल पर यानी कि सब इंस्पेक्टर लेवल पर और एक कॉन्स्टेबल लेवल पर दोनों पर वैकेंसी आने वाली है। और दोनों में जो नंबर ऑफ सीट है उसके बारे में बताया गया है। और इसका जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो भी बताया गया है कि कब से फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसमें बताया गया है कि 15/4/2024 से इसका फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट होगा और एक मंथ के आसपास फॉर्म फिलअप चलती है इसकी। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताया गया है कि 4660 वैकेंसी है, जिसमें कि 4208 वैकेंसी जो 4208 वैकेंसी है वो RPF के लिए, जिसमें कि कॉन्स्टेबल आते हैं उसके लिए है। और जो और 452 वैकेंसी 452 वैकेंसी है, जो 452 वैकेंसी है वो SI लेवल के होते हैं। तो SI लेवल में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए और जो हमारे कॉन्स्टेबल होते हैं उसमें +2 चाहिए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और ये अच्छी वैकेंसी है। और इसका टाइम पहले ही बता दिया है रेलवे ने कि वैकेंसी आने वाली है। तो नॉन टेक्निकल का जो भी स्टूडेंट है जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है वो इस फॉर्म को जरूर भरे। और एज में भी यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है, जैसे आप नोटिफिकेशन को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर एज में भी दिया गया है, 28 ईयर तक दिया गया है एज के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर एज के बारे में मेंशन है 18 से 28 और 20 से 28, मतलब एज भी है। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी B1 कैटेगरी का चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है और वैकेंसी रेलवे में अब कंटिन्यू आ रही है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें GK GS का और मैथ का और रीजनिंग का वेटेज होता है, 3 सब्जेक्ट का वेटेज होता है। और फीमेल के लिए स्पेशल 15% सीट जो इसमें होती है वो रिजर्वेशन होती है, रिजर्वेशन वुमेन के लिए होता है, 15% सीट रिजर्वेशन होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी वैकेंसी है RPF की आने वाली है, तो आप इसको जरूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा और ध्यान रखिएगा इस वैकेंसी को और अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।